आपको बताएं, भारत में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देने पर सामाजिक कारकुन कविता कृष्णन फट पड़ी। माशरे में फसाद फैलाने वाले सहाफियों को पत्रकार के बजाय नफरतकार करार दे दिया। इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का सामना है और हर कोई अपनी हुदूद में रहते हुए इसे निमटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान भारत ने इस वायरस की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और भारतीय मीडिया ने मुल्क में कोरोना के फैलाव की तमाम तर जिम्मेदारी मुसलमानों के सर डाल दी है। जबकि बाद सहाफियों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तबलीग के लिए भारत आने वाले मुसलमानों को कोरोना जिहादी का नाम दे दिया है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा मुहिम के खिलाफ भारत की समाजी रहनुमा कविता कृष्णन ने RSS जहनीत के हामिल इंडियन मीडिया को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ऐसे सहाफियों को पत्रकार के बजाय नफरतकार करार दिया। कविता कहती है कि इंतहा पसंद मीडिया कोरोना को भी मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर रहा है, लेकिन तारीख ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। वैश्विक महामारी के दौरान वो मदरसा हॉटस्पॉट्स पर एक स्पेशल कार्यक्रम तथा कथित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कार्यक्रम करने की बात कह रही है ट्विटर पे। तो यहाँ इस माध्यम के जरिए मैं उन्हें इस बात को कहना चाहती हूँ कि चिकने चुपड़े चेहरे के पीछे आप खुद को जो है इज्जतदार पत्रकार कहना छोड़ दीजिए। आप जो है वो सबके सामने है, आपका नकाब उतरा हुआ है और आप उन्हीं नफरतकारों में हैं, पत्रकारों में नहीं नफरतकारों में, जो अर्णब गोस्वामी या जी न्यूज के सुधीर चौधरी जैसों में आप गिने जाएंगे। इतिहास आपको वही गिनेगी, इतिहास आपको छीन लेगी। और इस समय जब वैश्विक महामारी है तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत में आप जैसे नफरतकार वो पत्रकारिता के नाम पर वो COVID-19 महामारी के जो विक्टिम्स हैं उनको वो धर्म के आधार पर बांट करके वो जो है वो अपनी नफरत का जो कारोबार है